दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में प्राइवेट क्लिनिक में फर्जी से तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए इजाजत नहीं ली गई। दादरी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर छापा मारकर इस घटना का खुलासा किया है। दादरी पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से वैक्सीन, लैपटॉप, मोबाइल और थर्मामीटर बरामद हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सूचना मिली कि दादरी के एक निजी क्लिनिक गोपाल पैथोलॉजी लैब में फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद CMO ने एक टीम गठित कर मौके पर जांच के लिए भेजा, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से वैक्सीन को भी बरामद किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दादरी में अब तक ये लोग 18 लोगों को वैक्सीन लगा चुके थे। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके थे। फिलहाल मामले में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस अब जांच में जुट गया है। जांच में पता लगाया जाएगा कि ये लोग कोविड वैक्सीन लगा रहे थे या वैक्सीन के नाम पर कुछ और। आखिर वैक्सीन के ट्रायल से पहले सरकार और जिला प्रशासन से अनुमति क्यों नहीं ली गई? कहां और कितने लोगों को ये वैक्सीन लगा चुके हैं? इन सवालों को लेकर हिरासत में लिए सभी 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।